मॉर्निंग टू मुंगेर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इस वीडियो में न्यूज जानेंगे। अभी पार्ट वन और पार्ट टू का एग्जामिनेशन चल रहा है। पार्ट वन 2020-23 और पार्ट टू 2019-22 का एग्जामिनेशन चल रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट का कमेंट्स था कि सर हमने ओमआर सीट में गलती कर दिया, कहीं रोल नंबर फिल करना भूल गए, तो किसी को साइन करना भूल गए, कोई आंसर शीट में जो सिग्नेचर वाला होता है वहाँ पर सेक्शन में गलत लिख दिए हैं, कोई वो क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना भूल गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स थे। तो इस कमेंट पे देखेंगे किस कारण से आपका कॉपी जांच नहीं होगी, और बहुत ज़्यादा टेंशन में लोग हैं कि सर हमारा कॉपी जांच नहीं होगा। ये सही भी बात है, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन का काम नहीं होता है, यहाँ पे मशीन चेक करेगी आपका ओमआर। ओमआर जो होगा ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा इसको चेक किया जाएगा, तो जिसके वजह से आप लोग को पे कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। यदि आपने सही नहीं फिल किया होगा कॉपी जांच नहीं होगी, जिससे कि आप फेल कर सकते हैं। और यहाँ तक ये ओमआर एग्जामिनेशन हो रही है जिसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो रही है, तो यहाँ पे दोनों संभावना बनती है। या तो आप 80-90% स्कोर कर लेंगे यदि सारे क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो, या तो फिर आप फेल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्टिव नहीं होने की वजह से आप लोग को गेसिंग मार्क्स नहीं दी जाती है। जैसे आपका 5 मार्क्स का यदि कोई क्वेश्चन है तो सब्जेक्टिव होती है, तो आपने किसी तरह भी बना बना के लिखते तो वहाँ पे 2 से 3 मार्क्स या तो 1 से 2 मार्क्स भी आपको कम से कम मिल जाती है। और यहाँ ओमआर में क्या है, ऑब्जेक्टिव में यदि आपने क्वेश्चन का सही गोला फिल किया है तो आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स 1 क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे, और यदि गोला आपने गलत किया है तो पूरे कट हो जाएगी, आपके 0 मार्क्स रहेंगे। तो इससे आप लोग को फेल होने की संभावना और अच्छे स्कोर करने दोनों की संभावना है। तो इसका पूरा डिटेल हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किस कारण से आपकी कॉपी जाँच नहीं हो सकती है। और एक और बिग प्रॉब्लम, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सिर्फ 50 क्वेश्चंस का ही गोला फिल करना है 100 क्वेश्चन में, जैसा कि यूनिवर्सिटी ने बताया। उसमें किसी ने 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, किसी ने 52, 51, 53 अच्छे से नहीं काउंट करने के वजह से कर दिया, तो उसका कॉपी क्या होगी, जांच होगी या नहीं जांच होगी, उसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं किस कारणों से आपकी कॉपी जांच नहीं हो सकती। ये तो उसका डमी था, उसके आगे इन्होंने बताया था। ये देखिए आपका ओरिजिनल ओमआर जो मार्क्सिट होगा, आंसर शीट होगा, वो ऐसे ही दिख रहा होगा आपका। ओरिजिनल ये है, ओरिजिनल हमारे पास भी आया। तो देखिए यहाँ पे आपने लोग को नेम फिल करना है, तो देखिए नेम फिल कर लिए होंगे। इसमें यदि एक दो कहीं गलत भी हो जाता है लिखने में, उसको स्पेस देके लिख दिए होंगे तो ये आपका चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर यहाँ पे सेंटर नेम है, और सेंटर नेम भी आपको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी यदि कुछ गलतियाँ होती है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर कॉलेज नेम है, और कॉलेज नेम में भी कुछ ज़्यादा गलतियाँ हो जाती है तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी बात आपके इधर है रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। तो देखिए रोल नंबर में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोल नंबर गलत यदि आपने फिल कर दिया तो आपका कैसे समझेंगे वो किसका कॉपी है। तो रोल नंबर सही होना चाहिए, सबसे पहली बात रोल नंबर पूरी सही होना चाहिए। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर में थोड़ी बहुत गलतियाँ भी होती है तो चलेगा, लेकिन इसे भी सही करना है, लेकिन उतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। फिर हो गया ईयर, ईयर में आप गलत भी करते हैं तो चलेगा। बहुत कोई बोल रहे थे कि सर 2019-22 सेशन है, हमने 22 लिख दिया, 20 लिख दिया, 21 लिख दिया, तो ये सारी गलतियां चलेगी आपका, कोई दिक्कत उतना ज़्यादा नहीं होगा। फिर देखिए बुकलेट सीरीज, ये जो सीरीज है ये गलती आप लोग का नहीं चलेगा, ये यदि आपने गलत फिल कर दिया तो नहीं चलेगा। यदि आपके पास ए नंबर की बुकलेट सीरीज आया है तो आप यहाँ पर ए लिखिए और इसे गोला फिल कीजिए, क्योंकि देखिए अब कंप्यूटर जब मशीन चेक करेगी तो वो क्या चेक करेगी, 4 गो सेक्शन का यहाँ पे क्वेश्चन बनी हुई है ए बी सी डी, उसे कैसे पता चलेगा कि आपका जो आंसर शीट है ये किस क्वेश्चन सीरीज का है ए बी सी डी। तो ये यदि किसी ने गलती कर दिया तो आपको फेल होना तय कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की ओर से। यूनिवर्सिटी भले ही बाद में विचार करे कुछ तो अलग बात होगी, लेकिन फर्स्टली आप लोग को कॉपी जाँच नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे जो भी आपका क्वेश्चन सीरीज रहता है उसे लिखिए और फिल कीजिए, सबसे पहला काम कर लीजिए ये यदि होता है, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो आंसर शीट है वो चेक हो जाएगी। आप रोल भी यदि फिल नहीं करते और ये फिल किए रहते हैं तो आपका कितने मार्क्स आए हैं वो दिख जाएगा, बट नाम नहीं दिखेगा कि ये कॉपी किसका है, फिर यूनिवर्सिटी उसको किसका है कॉपी उसके सर्च करके दे सकती है। तो आपको क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है ये फिल करना मस्ट है। उसके बाद क्लास, क्लास आप यदि गलत फिल कर देते हैं जैसे डिग्री पार्ट टू है या पार्ट वन है तो उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, वो लोग फिर रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू रोल नंबर के थ्रू आप लोग को फिल कर लेंगे कि ये किस ईयर का स्टूडेंट है, तो यहाँ पे ज़्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग सही फिल करेंगे। ये है पेपर कोड, आपको पेपर कोड भी सही फिल करना होगा, कौन सा पेपर कोड है, सीरीज और पेपर कोड ये दोनों सही आपको फिल करना होगा। सेंटर कोड, सेंटर कोड में थोड़ा बहुत गलती हो गई तो उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे है सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट नेम में भी गलतियाँ हो गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, सभी का सब्जेक्ट नेम किसी ना कोई सही लिखे होंगे वो सही हो जाएगा। फिर है बुकलेट नंबर, ये बुकलेट नंबर आपको सही फिर से फिल करना पड़ेगा, यहाँ पे बुकलेट नंबर है इसे सही फिल करना पड़ेगा जिससे कि कॉपी आपका जांच होगी। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, डेट ऑफ एग्जामिनेशन में यदि आपका गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है ये चलेगा।
डेट ऑफ एग्जामिनेशन, उसके बाद है आपका सिग्नेचर, और सिग्नेचर सही जगह पे होना चाहिए, यानी लेफ्ट साइड में आपका सिग्नेचर है तो यहीं पे सिग्नेचर होना चाहिए, ना कि यहाँ पे सिग्नेचर होना चाहिए। तो सिग्नेचर तो कट करके भी कर सकते हैं, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात आती है आंसर की कि सर आंसर में हमने क्या गलती होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। देखिए आंसर में सबसे पहले आपको गोला फिल करना है सही सामने, आप यदि गलत फिल करते हैं तो उसे कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 100 में 50 ही फिल करना है तो दूसरे जगह कर लीजिए बिना कट किए, कट नहीं कर सकते हैं आप, उसे एडिट नहीं कर सकते, उसमें ब्लेड नहीं चला सकते, उसमें व्हाइटनर नहीं चला सकते आप आंसर में। यदि यहाँ पे गलती होती है तो आपके मार्क्स कम आ सकते हैं, लेकिन आप फेल नहीं करेंगे। उसके बाद आपने बहुत बड़ी क्वेरी है कि सर हमने 50 60 70 क्वेश्चन फिल कर दिया, तो देखिए जिसने भी ज्यादा क्वेश्चन फिल किया वो बहुत ही गलत है, क्योंकि पहले से भी वीडियो बन रही थी और पहले से यूनिवर्सिटी भी बता दी थी कि पूरे 100 क्वेश्चन में आपको 50 क्वेश्चन ही फिल करना है, तो यूनिवर्सिटी ज्यादा मार्क्स नहीं देगी। वो लोग इस स्थिति में क्या करेंगे, पहले वन नंबर से लेके 50, पहला 50 जो क्वेश्चन पूर जाएगा, मान लीजिए आपने वन नंबर से फिल किया और 70 नंबर तक जाके आपका पहला 50 क्वेश्चन पूर जाता है, फुल हो जाती है, तो भाई 50 क्वेश्चन को चेक करके वो आपको मार्क्स दे देंगे, या तो आपको नेगेटिव हो या सही हो। लास्ट के जो क्वेश्चन ज्यादा आपने फिल किया होगा वो नहीं करेंगे, और ज्यादा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट यदि चेक करते हैं ये लोग तो उसपे आप लोगों को कॉपियां जांच भी नहीं कर सकती यदि 50 से ज्यादा क्वेश्चन आपने फिल कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करेगा वो लोग, क्योंकि ये बहुत सारे कैंडिडेट ने कर दिया है, जो लोग यूट्यूब पे कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया से वो लोग को पता चल गई था कि 50 क्वेश्चन का ही फिल करना है, लेकिन जो लोग नहीं थे डायरेक्ट घर से उठ के आके एग्जाम दे रहे हैं, जिनके घर में भी उतना ज्यादा कोई आगे एजुकेटेड नहीं है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत कोई 100 क्वेश्चन भी रंग दे रहे हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सर हमने 100 का 100 क्वेश्चन फिल कर दिया, सर हमने 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन कर दिया, तो उन लोगों का पहला 50 क्वेश्चन चेक कर लिया जाएगा, बाकी क्वेश्चन को चेक नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपका पहले 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन गलत ही, आप फेल भी कर रहे हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, बाद का क्वेश्चन आपने सही किया है तो उससे मायने नहीं रखेगा, इसलिए आपको पहले 50 क्वेश्चन ही करना है। आप चुन चुन के कीजिए, जिसमें आपका कंफर्म होती है वही 50 क्वेश्चन आपको गोला फिल करनी है। अब बात आई जो सिग्नेचर करवाने इन्विजिलेटर जो आंसर शीट लेके आते हैं, जहाँ पे आंसर शीट बुकलेट नंबर भरना होता है, वहाँ पे बहुत कोई क्वेश्चन बुकलेट नंबर भर दिया, तो क्वेश्चन बुकलेट नंबर नहीं भरना है, वहाँ पे आंसर शीट बुकलेट नंबर भरना है। यदि वहाँ पे गलती भी हो गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो इसलिए फिल करवाया जाता है कि वो स्टूडेंट एग्जाम दिए कि नहीं दिए। यदि वो वहाँ पे फिल करवा लेते हैं और कोई ओमार सीट लेके भाग जाते हैं, जैसे कि आपको न्यूज़ में भी आई थी एक जगह मुंगेर में कि कहाँ ओमार सीट लेके ही भाग गई थी, तो वहाँ से पता चलेगा कि हमने कितने स्टूडेंट का ये करवाया है एग्जाम और कितने स्टूडेंट का चला गया। तो आपने आंसर ओमार सीट फिल करे रहेंगे, तो यदि आप मान लीजिए एक सेंटर में 60 स्टूडेंट एग्जाम दे रहे थे, अब वहाँ पे 59 मार्कशीट ही उनको मिलता है, 59 ओमार सीट ही मिलता है, तो वो कौन सा ओमार सीट उसको नहीं मिला उसी नंबर को मैच करके वो पता कर लेंगे कि ये ओमार सीट नहीं मिला, फिर वो नंबर देखेंगे कि किस स्टूडेंट को हमने वो नंबर का ओमार सीट डिस्ट्रीब्यूट किया था, फिर उस नंबर के आधार पर उसका डिटेल पता कर लेंगे और फिर उस पर FIR किया जाएगा और फिर उसे अरेस्ट किया जाएगा। तो ओमार सीट लेके भागना कोई खेल बात नहीं है, उस पर FIR कर दी जाती है और उसे अरेस्ट भी कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। ओमार सीट जो होता है गवर्नमेंट का वो संपत्ति होता है, उसे लेके आप नहीं भागेंगे। वहाँ पे यदि आपने गलती कर दी तो बहुत बड़ी इश्यू नहीं है, लेकिन आपका कॉपी जांच हो जाएगी, लेकिन आपने क्वेश्चन बुकलेट सीरीज क्वेश्चन बुकलेट नंबर और रोल नंबर में गलती कर दी तो आपका क्वेश्चन चेक नहीं होगी, ओमार सीट चेक नहीं होगी, भले ही यूनिवर्सिटी बाद में कुछ करे तो अलग बात है, लेकिन आपका 99.9% आप लोग को उस स्थिति में फेल कर दिया जाएगा मशीन के द्वारा, यदि आपने क्वेश्चन बुकलेट नंबर क्वेश्चन सीरीज नंबर और रोल नंबर गलत फिल किया है। तो बाकी बात आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इसमें सर आपका क्या गलत था और क्या सही था, तो उसके आधार पर देखा लिया जाएगा, और ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, जब रिजल्ट आएगी तो देखा जाएगा, फिर इसमें कुछ ना कुछ यूनिवर्सिटी यदि ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा, सभी लोग मिलकर यूनिवर्सिटी जाया जाएगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ होगी। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, और जो भी क्वायरी होगी कमेंट होगी तो आप लोग को वीडियो बना देंगे। कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।